हाँ इंग्लिश हिंदी थोड़ा बेटर होता है, आप समझ सकती हो। तो ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन की रेट कम होगी, ठीक है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, मतलब देखो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम रहेगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलो मतलब उल्टा होता है, ओके। टेम्परेचर के मामले में अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई भी मिल्क है और मिल्क में ज्यादा आग दोगे तो जल्दी पक जाएगा, समझा कि नहीं, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का काम तो भाई एक ही होता है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, बूस्ट दी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रेट मंजे का आई स्पीड, ओके, का होते हैं स्पीड, रेट मंजे स्पीड होते, ओके, तो स्पीड होता है रेट मतलब, ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कि अगर आप कैटलिस्ट को डालोगे ना रिएक्शन में, कैटलिस्ट को डालोगे ना रिएक्शन में, वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, बट रिएक्शन में खुद कोई फर्क नहीं डालेगा, मतलब रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, बस वो स्पीड बढ़ा देगा, यानी कि रेट को इंक्रीज कर देगा। एंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, अब किस तरीके का रिएक्शन का नेचर है, जैसे कि मान लो अगर नेचर ऑफ द रिएक्शन सॉलिड है तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन को डन होने में, अगर गैस रहेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लिक्विड रहेगा थोड़ा कम जल्दी होगा, समझा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, मतलब टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक्चुअली यहाँ पे रिएक्टेंट है, ओके। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता है ना क्या होता है, ये ए और बी रिएक्टेंट होता है और पी अपना प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये बात आपको पता है, आप 10वीं में सीख के रखे हो ऑलरेडी, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यही सिंपल से डेफिनेशन में लिख के रखी है, आपके बुक में भी नहीं मिलेगी ऐसी, हाउ रैपिडली रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मतलब अगर ए प्लस बी आपका ये रिएक्टेंट हो गया, यहां से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि कितना जल्दी अपना ए और बी कंज्यूम होता है और फिर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, कितना जल्दी कितनी स्पीड में, वही होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गया क्या, चिंदी सा था, कोई डाउट यहां पे, मुझे पता है किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, फिर से बता रहा हूं जिससे कि आपको भूले ना, तो ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, क्या होता है ये, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस। अब देखो क्या बताना है इसमें, कितने बार आपको बताऊं, यही जो कि केमिकल रिएक्शन से मतलब रखता है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होते हैं, उसका या तो रेट होगा, किस तरीके से वो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, यही केमिकल रिएक्शन के दो बड़े फैक्टर हैं, ठीक है, तो इन्हीं से डील करता है अपना केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अपने रिएक्शन को, यानी वही टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन है, फिर टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट है, कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्शन टेम्परेचर है, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं जो रेट को, रिएक्शन के होने की स्पीड को ज्यादा कम कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ गाइस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, आपने पढ़ा हैलोजन डेरिवेटिव, आपने पढ़ा एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर्स, आपने पढ़ा अमाइंस, आपने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, सारे चैप्टर मैंने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो आपने सबको जब पढ़ लिया तो उसे मैकेनिज्म, आपने SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, एल्डिहाइड में बहुत सारे मैकेनिज्म्स, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सारे ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स आपने पढ़े। एग्जैक्टली रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, मान लो अगर ए और बी, मैकेनिज्म ध्यान देना क्या होता है, ए और बी से पी बन रहा है अपना प्रोडक्ट, तो ये ए और बी ने कितने स्टेप्स लगाए, कितने स्टेप्स में ये पी फॉर्म हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या आपको, क्या बोल रहा हूं समझ रहा है क्या आपको, ए और बी कितने स्टेप में, मतलब कि कभी कभी ब्रेक होता है, कभी कभी फिर फॉर्म होता है, मतलब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तब ना जुड़ेगा। देखो मैं जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसी छोटा सा आपको चीज दिखा रहा हूँ। देखो सपोज दैट आपके सामने कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ऐसे में कोई भी एक रिएक्शन ले रहा हूँ, सपोज ऐसे ही कोई भी, ठीक है, ऐसे ही, अभी गुस्सा मत हो जाना कि सर आप कहाँ ऑर्गेनिक में पहुंच गए। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। फिर ये यहां से आएगा और ये यहां पे कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा, ये एक HCl साइड में चला जाएगा और यहाँ पे HCCl, वहां पे H और यहाँ पे H। इस रिएक्शन से आपने क्या समझा, जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा, इट्स फाइन, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे कि H यहां से C से और Cl दूसरे Cl से ब्रेक हुए, दोनों जुड़ गए, HCl बना दिया। फिर ये Cl जो बचा था ये इस C से आके जुड़ गया, ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, और फिर यहां से ये बना दिया इस तरीके का, यहाँ पे आपका मिथाइल क्लोराइड। तो यहां पे क्या हुआ, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहां पे दो स्टेप हो गए, समझा। तो ऐसे कितने स्टेप में अपना रिएक्शन होता है,
ऐसे कितने कंप्लीट रिएक्शन होने में कितने स्टेप्स लगते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स, उन्हीं का एनालिसिस, वो नंबर ऑफ स्टेप्स ही एक साथ कंबाइन करोगे और जब आप उन सारे स्टेप्स की स्टडी करोगे, यही तो बेसिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगते हैं किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, वही आपका मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन होता है। मतलब मैकेनिज्म इज क्या, कि कोई भी रिएक्शन, हाउ इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ कंप्लीटिंग द रिएक्शन, ठीक है, यही चीज आपका होता है मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपको समझ गया होगा, जस्ट ऐसे ही मैंने बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने, अब आपको रेट समझ चुका है, केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी क्या होती समझ चुका है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपको ये समझ चुका है बेस्ट तरीके से, मुझे ऐसा होप है कि आपको 100% समझा है, ठीक है, और नहीं समझा रहेगा तो कमेंट में बताना, ठीक है, कोई डाउट रहे कमेंट में बताओ, मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ। इस वीडियो को शेयर भी यार कर देना, एक शेयर का कमाल है थोड़ा सा आपके कर दोगे मुझे पता है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब ये हमको जानना है एग्जैक्टली, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट, ये दो तरीके के रेट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और रेट क्या है, वही आपकी स्पीड, रेट क्या होता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब कितने जल्दी स्पीड अपना रिएक्शन हो सकता है, कितना जल्दी अपना रिएक्शन हो सकता है। तो देखो किस तरीके से आप एवरेज रेट को निकाल सकते हो, ये मैंने आपको यहां बताया, 2 मार्क्स को एग्जाम में पूछा जा सकता है, एवरेज रेट आप कैसे निकालोगे। तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहली बात, मतलब कि अपना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का भी आप कह सकते हो, प्रोडक्ट का भी आप कह सकते हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना जल्दी चेंज होता है। मतलब देखो अगर आपके सामने ए प्लस बी है और प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, इमेजिन करना, फील करना उस चीज को, ठीक है। तो देखो अब ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ए प्लस बी का होगा, फिर समथिंग पी, क्योंकि पी तो ए और बी से ही बन रहा है, ए और बी कन्वर्ट होके पी बन जाते हैं, ठीक है। तो जो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये कितना चेंज हो रहा है, कितना जल्दी चेंज हो रहा है, पहला फैक्टर तो ये हो गया फाइंड करने के एवरेज रेट को, ठीक है। जितना जल्दी चेंज होगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, जितना धीरे चेंज होगा उतना धीरे प्रोडक्ट बनेगा, ये तो आपको पता है। दूसरी बात, टाइम इंटरवल, ये चेंज होने में कितना टाइम लगा, ये चेंज होने में कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकिंग प्लेस बाय दिस रिएक्शन रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो टाइम इंटरवल, इन दोनों चीजों के ऊपर, मतलब कि कितना टाइम लग रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। दूसरी बात, ये रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बदलने में प्रोडक्ट में कितना टाइम लग रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो देखो, अगर मान लो ए और बी आपका रिएक्शन हो रहा है, पी बना रहा है, ठीक है, तो देखो अभी मैं कैसे इसको लिखूंगा, सपोज दैट जो अपना ए है, ए मैं डी लिखता हूं, ठीक है, आप इसे डेल ऐसा भी लिख सकते हो, डेल, इन दोनों का साइन का मतलब होता है चेंज, आपने डेरिवेटिव भी पढ़ी होगी, डेरिवेटिव भी हम लोग यही दिखाते हैं, चेंज, चेंज, डी मतलब चेंज होता है, समथिंग चेंज। तो देखो ए कितने में चेंज हो रहा है, तो मैंने यहां पे लिख दिया चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कितना टाइम इंटरवल, तो डी टी ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन 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 मैं यहां पे डेल से दिखाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं इसे दिखाता हूं, आपकी बुक में भी दिखाया तो मैं क्या कर सकता हूं, आप ऐसा भी दिखा सकते हो। तो डेल यानी चेंज इन कॉन्सेंट, ये ब्रैकेट लगाया मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये रिएक्टेंट है, बी के लिए भी सेम रहेगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी, डेल टी, यानी कि समझा, तो ये क्या हो गया, कितने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, ये होता है एवरेज रेट, ओके। बट एक चीज याद रखो, मैंने क्या बोला था कि ए और बी क्या होता है, कंज्यूम होता है, कंज्यूम मतलब ये कम होते हैं, ये कम होते हैं एक टाइम पे और ये ज्यादा होता है, क्योंकि जब ए और बी कंबाइन होकर पी बनाते हैं तो इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होते जाता है धीरे धीरे, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, समझ गए मेरी बातें, इसका मतलब कि ए और बी आर डिक्रीजिंग, सो यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट कि ए और बी आर डिक्रीजिंग, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, समझ गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी तो चेंज हो रहा है, पहले जीरो था फिर बढ़ रहा है जैसे जैसे ए और बी कंज्यूम हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट अपना फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कितना टाइम लगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन, समझा, यहाँ पे आप कौन सा साइन लगाओगे, पॉजिटिव साइन लगाओगे, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग,
ठीक है। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला देख लो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, एनीवन कैन डू, ठीक है, एनीवन कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो, और अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। चलो आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, ये किस तरीके से बताना है वो भी सीख लिया, ये फॉर्मूला तो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, यही तो है, यही तो है आपका एवरेज रेट। चलो दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में। चलो मान लो कोई एक रिएक्शन कंसिडर करो, ए से बी बन रहा है, जहां पे ए अपना कंज्यूम हो रहा है और बी अपना फॉर्म हो रहा है, तो आप कैसे लिखोगे पर्टिकुलरली, आप पर्टिकुलरली यहां पे देखो मेरी बातों को, पर्टिकुलरली ये ए कैसे हो रहा है, ये पर्टिकुलरली ए कंज्यूम हो रहा है और ए ही कन्वर्ट होकर बी बन रहा है, मतलब एक टाइम के लिए ए खत्म होने जा रहा है और अब बी बनने जा रहा है, ठीक है। मतलब तो ए कितने की रेट से, कितने की स्पीड से खत्म हो रहा है, वही होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एट अ गिवन टाइम टी, कितने भी टाइम में हो सकता है, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 1 सेकंड में, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है रिएक्शन के, वो तो हमको थोड़ी पता है, हम देखने थोड़ी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस साइन और यहाँ पे डेल यानी चेंज इन ब्रैकेट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कैसे रीड करूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। तो ये रेट ऑफ कंजम्पशन हो गया, माइनस साइन दिखाता है कि कंज्यूम हो रहा है, ये खत्म हो रहा है अब इससे, यानी कि अपना ये रिएक्टेंट है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, उसी टाइम पे बी भी फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यही तो मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो होता है आपका एवरेज रेट, एवरेज रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में आई क्या मेरी बातें, कितना चिंदी है ना ये, अब इसमें से आपको हार्ड लगेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है, आपने बता दिया रिएक्टेंट का, आपने बता दिया प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, तो हमको भी पता है, ठीक है। तो चलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल रिएक्शन का रेट, इस टोटल रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो इस टोटल रिएक्शन का रेट वही होगा ना। अब देखो एक चीज यहां पे समझने वाली बात है गाइज, एक बात बताओ, जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही ना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आप सपोज एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी है, और उस अमीर आदमी के पास एक कोई भिखारी गया, ठीक है, एक भिखारी गया, भिखारी बोला पैसे दे दे, जितना अमीर आदमी देगा वही उतना ही भिखारी लेगा ना, कि मार के छीन लेगा, ऐसा थोड़ी होता है, जितना अमीर वाला देगा उतना ही भिखारी वाला लेगा, सिंपल सी बात है। मतलब जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उससे ज्यादा नहीं, मतलब जितने स्पीड से अपना रिएक्टेंट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा था उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, मतलब देखो आपने वो टाइम वाला क्या होता है, आपने वो देखा होगा, देखो ना ऐसा रहता है वो, क्या तो बोलते हो नीचे भी, देखो ऐसा रहता है ना वो टाइम वाला, जिसमें से हम लोग टाइम चेक करते हैं, ऐसा रहता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मेरे को, पता नहीं याद नहीं। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेत भरी होती है, रेत क्या बोलते हैं, पत्थर मिट्टी क्या होता है पता नहीं, ठीक है, वो भरी होती है। अब जितने स्पीड से वो नीचे आएगा उतना ही ये फील होगा ना, क्या अपने से फील हो जाएगा, ऊपर से जितना नीचे आएगा उतना ही ये भी आएगा। अब जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा उतनी स्पीड से ये भरेगा, समझ रहे हैं, वही चीज यहाँ पे चल रही है। जितनी स्पीड से ऊपर से यहाँ की मिट्टी नीचे आएगी उतनी स्पीड से नीचे वाला फील होगा पॉट, और ऊपर वाला खाली होगा, ठीक है, और ऊपर वाला खाली होगा तभी नीचे वाला भरेगा भी, ये भी फिक्स है। यानी कि समझ लो नीचे वाला प्रोडक्ट है और ऊपर वाला रिएक्टेंट है, यानी कि जितना एक कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जितनी स्पीड से रिएक्ट अपना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म भी होगा, स्पीड भी सेम रहेगी, रेट ऑफ द रिएक्शन भी यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब रेट ऑफ द रिएक्टेंट का जो कंजम्पशन है वो भी जितना स्पीड से रहेगा उतना ही स्पीड से प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, ये एकदम फिक्स है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि जितने स्पीड से अपना ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट अपना फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि जितने स्पीड से यहाँ पे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा था इक्वल टू उतने ही स्पीड से अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यही टोटल आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट इक्वल कर दो वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। समझ गया मेरी बातें, जितना आप इक्वल कर दो, क्या कर दो, इक्वल रेट ऑफ द रिएक्टेंट रेट ऑफ द प्रोडक्ट आप इक्वल कर दो वही आपका टोटल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, ओके चलो बैठिए, यहाँ पे एमी में बंटाई लगा रहे हो, बंटाई की पब्लिक बोल बंटाई, ठीक है। तो ये समझ गया रहेगा आपको, आई होप यार मुझे पता है आपको समझा है। चलो अभी हम लोग क्यों ना यार कॉन्सेंट्रेशन का डायमेंशन के बारे में सीख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के डायमेंशन के बारे में हम अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको हमको पता चल चुका है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि वही डी दिखाओ या डेल दिखाओ, ट्रायंगल वाले को डेल कहते हैं, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन आपका टाइम, यही होता है आपका रेट। आगे भी दिखाऊंगा रेट लॉ के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो भी अलग है, आई विल शो यू, डोंट वरी। बट एक तो फिक्स हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन कितने स्पीड से चेंज हो रहा है,
वही होता है आपका रेट, समझ गया कि नहीं, एकदम चिंदी बात, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब बच्चों को भी मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका यूनिट मोल डीएम क्यूब होता है। क्यों, देखो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से लिखो क्या नहीं, मैं रीड करता हूँ, लिख देता हूँ बस। कॉन्सेंट्रेशन, मेरी बातों को ध्यान देना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ बट मैं इसकी डेफिनेशन बोलते जाऊंगा। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। मैंने पढ़ दिया लेकिन फॉर्मूला भी लिख दिया, समझ में आया क्या माय डियर? ओके, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल, वॉल्यूम की यूनिट डीएम क्यूब, ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, समझ गया। यानी कॉन्सेंट्रेशन, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, मोल और डीएम क्यूब को ऊपर लेके जाओ तो डीएम माइनस क्यूब भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, समझे। तो यहाँ पे डीएम माइनस क्यूब, टाइम की यूनिट सेकंड होती है तो सेकंड लिख दिया। तो अब यही से इस वाले फॉर्मूले से आप यहाँ पे निकाल लो, मोल डीएम क्यूब और सेकंड को ऊपर लेके जाओ, माइनस वन बन जाएगा ये, मोल डीएम क्यूब, डीएम माइनस क्यूब वही जो, और आपका यहाँ पे सेकंड बन जाएगा पर सेकंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये आपके यूनिट है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, समझ गया क्या। यह यूनिट होती है रेट की, रेट ऑफ द रिएक्शन की, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, और कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो आई होप गाइस आपको यूनिट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग समझो पहले, बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी रट्टा मार लेगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मीन्स इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब एक छोटे से इंस्टेंट में भी, मतलब देखो ए प्लस बी अगर कंबाइन होके आपको पी बना रहा है, तो ए और बी जैसे जैसे, मतलब पहले एक सेकंड के लिए, फिर दो सेकंड के लिए, फिर 2.5 सेकंड के लिए, फिर 3 सेकंड के लिए, फिर 4 सेकंड में क्या हालत होगी इसकी, क्योंकि हमको तो पता है ना कि ए और बी कंटिन्यूअसली कंज्यूम होते जा रहा है और प्रोडक्ट को बनाते जा रहा है, हमको तो ये मालूम ही है, ठीक है। सो कितने कितने सेकंड में, छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ सेकंड टाइम में इनकी हालत क्या है, ये ए और बी कितना कंज्यूम हुए, उस छोटे से छोटे इंस्टेंट में भी जो हम चेक करते हैं, मतलब जैसे को देखो एक सेकंड में कितना कंज्यूम हुआ, कितना, मतलब अब ये तो पता है ना आपका कि रेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही होता है आपका रेट होता है, ठीक है, ये आपको मालूम है, मतलब कितने टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है प्रोडक्ट में, यही होता है आपका रेट, आपको ये मतलब बेसिक में समझ चुका है। तो अगर एक सेकंड में कितना बदलेगा, दो सेकंड में कितना बदलेगा, ये भी तो रेट ही है ना, 2.5 सेकंड में कितना बदलेगा, 3 सेकंड में कितना बदलेगा, 4 सेकंड में कितना बदलेगा, ईच एंड एवरी गिवन अमाउंट ऑफ इंस्टेंट में जो रेट है उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, बाकी तो थियरी आपके लिए लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, ठीक है, यही आपको याद रखना है। देखो गाइस इस वीडियो को जितने बार हो सके देखोगे ना, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में, और मुझे पता है किसी को डाउट नहीं आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपके जो भी थिंकिंग है सब बताना, ठीक है, और शेयरिंग जरूर करना, ठीक है। चलो तो इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर, अब आगे बढ़ते क्या होता है, अब पढ़ लो आप तो पूरा आपके लिए पूरा नोट्स है, एग्जाम में जैसे लिखना है इसको समझा देता हूँ, डायग्राम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। देखो तो कैसे आप इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का और कॉन्सेंट्रेशन होता है जो प्रोडक्ट का, मतलब रिएक्टेंट कितना जल्दी कंज्यूम हो रहा है तो उतना जल्दी आपका प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल होते हैं। तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म तो हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो हमको चेक करना होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कि किस तरीके से, मतलब एक सेकंड में कितना, दो सेकंड में कितना, 5 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, कितना चेंज हुआ प्रोडक्ट, कितना फॉर्म हुआ, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, समझा अच्छे से। सो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। और वही डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हम जो चेक करते हैं उसी रेट को इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। हर एक गिवन अमाउंट ऑफ इंस्टेंट में हम लोग जब रिएक्शन के रेट को चेक करते हैं उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, ओके। चलो देखो अब हम देखते हैं एक एक लाइन वाइज किस तरीके से हम चेक करेंगे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसीलिए देखो रिएक्टेंट का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, देखो यहां से यहां पे डिक्रीज हुआ है, बट प्रोडक्ट में यहां पे ऐसा यहां से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। अब बोलोगे इसे कंज्यूम कौन करता है यार, अरे देखो सपोज दैट ये आपके पास एक पर्दा है और आप यहाँ पे बैठे हुई हो और ये आपको यहाँ पे कोई बनाना है, किसी को देखना है, ठीक है। तो यहां से आप यहाँ पे जाओगे जाओगे जाओगे, मतलब ये आप कन्वर्ट हो रहे हो बी में, समझ गया क्या,
आप खुद कन्वर्ट हो रहे हो, आप फिर बचोगे नहीं। आप एक बार कन्वर्ट हो गए बी में तो आप बचने नहीं वाले हो, ठीक है। तो तुम ही कन्वर्ट हो रहे हो, मतलब तुम कंज्यूम हो जा रहे हो, तुम बदल रहे हो अपने आप को, तुम कन्वर्ट हो रहे हो, इसको बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है। कोई और कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब तुम प्रोडक्ट बन रहे हो, तुम रिएक्टेंट हो, तुम खुद ही प्रोडक्ट बन रहे हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको वो समझ गया होगा। चलो तो अभी देखो, यहाँ पे सपोज मैंने इस ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे टाइम बता दिया। देखो यहाँ पे सपोज जब कॉन्सेंट्रेशन था, सपोज यहाँ पे 5 वैल्यू है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे टाइम है ये 3 4, ऐसा टाइमिंग है। चलो एक सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन 5 था, देखो यहाँ से ये देखो समझना अच्छे से, 1 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन 5 था, जब 2 सेकंड में आया तो कॉन्सेंट्रेशन देखो 3 हो गया। मतलब कि जब 1 सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, लेकिन जब 2 सेकंड में आया तो कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम हो गया, ठीक है। फिर जब 3 सेकंड में आया तो कॉन्सेंट्रेशन देखो एकदम 2 हो गया, मतलब इतना कम 2 कॉन्सेंट्रेशन। और जब 4 में आया तो कॉन्सेंट्रेशन सपोज 1 है, मतलब कम होते जा रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं? तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अब देखो वही तो टाइमिंग है। अब सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट था तो 1 सेकंड में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना 1 सेकंड में कितना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वही ए का ही 2 सेकंड में कितना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 3 सेकंड में कितना था, यही चीजें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। ये होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ईच एंड एवरी टाइम में हम ये पता कर रहे हैं, यही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्टेंट होगा। और व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये आपका रिएक्टेंट। यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पे सपोज 2, ऐसे में कोई भी नंबर डाल दो ना, तो आप भी डाल सकते हो। ये आपका टाइम 1, टाइम 2, ये टाइम 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना रहेगा, 1 सेकंड में सपोज 2 बढ़ा, 0 पे 0 है, ये सपोज यहाँ से ओरिजिन से है 0 पे 0, 1 सेकंड में 2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, 2 सेकंड में 3 इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसे 3 सेकंड में इतना इंक्रीज हुआ, 4 कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करूं तो गिवन अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी सेकंड में अपना प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम ईच एंड एवरी सेकंड के लिए हम पता कर रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट ऑफ द रिएक्टेंट कंजम्पशन एंड रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम ईच एंड एवरी सेकंड के लिए हम पता कर रहे हैं, वही हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब आपको समझ चुका होगा अच्छे से, दो बार वीडियो रिवाइज करना इसी पार्ट्स को, ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके देख लो एक बार। चलो अभी भी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते। देखो यहाँ पे मैंने डी से दिखाया है, आप डेल्टा से भी इस साइन से भी दिखा सकते हो। तो मैं तो लेकिन कहूंगा कि एवरेज वाले की जब बात आएगी, एवरेज वाले की, तो आपको इसी साइन से दिखाना और इंस्टेंटेनियस वाले को डी से दिखाना, ठीक है, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। ऐसा बुक में दिखाया है तो आप कर लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके चलो, तो कंसीडर करो एक कोई भी रिएक्शन ऐसे बी बन रहा है, किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज कंज्यूमिंग, इसीलिए डिक्रीज होता है ना, इसीलिए माइनस साइन। देखो ना यहाँ पे कैसे ए 5 से देखो 1 पे आ गया, डिक्रीज हुआ था, इसके लिए यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो कैसे लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ए इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम हुआ है, इसीलिए माइनस साइन। रेट ऑफ कंजम्पशन ए से ही क्या बना, बी बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी क्यों लिख दिया यार, ऐसे ए और बी कंबाइन करना है क्या आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे जो बी है ना, यहाँ पे आप प्लस लिखो, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेशन आने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे फॉर्मेशन, क्योंकि बी अपना फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। तो ये आपका बी का मतलब प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट ये हो गया, और ये आपके रिएक्टेंट का रेट हो गया। बट व्हाट अबाउट द टोटल रिएक्शन रेट, रिएक्शन का रेट क्या होगा एट अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे आप चेक कर रहे हो, मान लो ये टाइम कुछ भी 5 सेकंड हो सकता है, आप 5वें सेकंड में, स्टार्टिंग से 5वें सेकंड में रिएक्टेंट की हालत और प्रोडक्ट की हालत चेक कर रहे हो। सपोज दैट रिएक्टेंट की हालत ये है और प्रोडक्ट की हालत ये है, इतना कंसंट्रेशन चेंज हो गया 5 सेकंड में, इतना प्रोडक्ट बन गया 5 सेकंड में, तो टोटल रिएक्शन का रेट क्या होगा 5 सेकंड में। तो वही मैं बताया था ना, रिएक्शन का रेट क्या होता है, रिएक्टेंट जितना इक्वल रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का भी रेट होता है, दोनों को इक्वल कर दो, बस माइनस और प्लस दिखा देना, जिससे पता चल जाए कि माइनस वाला मतलब कंजम्पशन हो रहा है रिएक्टेंट हो, और प्रोडक्ट वाला फॉर्म हो रहा है मतलब प्लस है वो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिएक्शन के रेट को दिखाया, मतलब कि आपको लिखना कैसे है ये भी जान लो। ए को इस तरीके से लिखोगे क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है माइनस साइन के साथ, बी प्रोडक्ट है इसलिए ऐसा लिखोगे, टोटल रिएक्शन के रेट को इन दोनों को इक्वल कर देना, ऐसे मिल जाएगा। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन, इसके लिए आप कैसे लिखोगे। देखो पहले मैं रिएक्टेंट की बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा रेट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। कैसे लिखोगे एट टाइम टी में, कैसे लिखोगे आप रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए,
कैसे लिखोगे? कंजम्पशन ऑफ ए कैसे लिखोगे? इक्वल टू, यहाँ पे लिखने का माइनस साइन, यहाँ पे डेरिवेटिव बार बार आ जा रहा है क्योंकि मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ना, तो यहाँ पे माइनस डी ए डी टी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रेट ऑफ, देखो अभी ध्यान से, अभी यहाँ पे तुम थोड़ा कंफ्यूज आ जाओगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी है ना, बी यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस माइनस और डी और यहाँ पे बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? डी टी। लेकिन व्हाट अबाउट दैट थ्री, वो थ्री का क्या होगा? मैंने ऐसे कोई भी रैंडम रिएक्शन लिखा है, ये थ्री का क्या होगा बताओ? ये थ्री को आप क्या करोगे? तो एक बात ध्यान रखना, जो बगल में यहाँ पे लिखा रहता है ना, यहाँ पे वन है तो कोई टेंशन नहीं, कोई वादा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे थ्री है तो क्या करने का? यहाँ पे वन अपॉन थ्री से डिवाइड कर देने का, ठीक है। मतलब जो रहेगा उसको वन अपॉन कर देने का, तीन रहेगा तीन, थ्री रहेगा थ्री, टू रहेगा टू, फोर रहेगा फोर, वन रहेगा तो कुछ फायदा नहीं, वन अपॉन वन तो वन ही होता है ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखोगे? यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे प्लस साइन आएगा, वन अपॉन टू आएगा और डेरिवेटिव ऑफ सी अपॉन dt। ये तो आपको समझ गया ना किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, वो तो नंबर की बात है, वन अपॉन कर दो प्लस कर दो, वो तो दिखाने के लिए ऐसा है क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझ गया होगा अच्छे से इस तरीके से। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया तो लिख दो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, सब इक्वल रहेगा ना, जितनी स्पीड से कंज्यूमिंग उतने स्पीड से ये बनेगा, ठीक है। तो माइनस वन अपॉन थ्री डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस यहाँ पे क्या आएगा? डी सी, सबको इक्वल कर दो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सभी कंसेंट्रेशन को, चेंज इन कंसेंट्रेशन को इक्वल कर दो, ये होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। इस तरीके से आपको लिखना होता है, समझ गया माय डियर? ओके। जनरली यहाँ पे देख लो, अगर जनरली की बात करूं कि मतलब इस तरीके से दिया रहता है ना रिएक्शन, ये वही जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर था, इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक नंबर कहते हैं, आपको भी दिखाया था ना यहाँ पे वन थ्री, वही जो है यही आपका ए बी होता है, समझा? यहाँ पे बी है सी ऐसे, तो रेट ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्टेंट ये वन अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस साइन, मतलब माइनस मतलब कंज्यूम, डिक्रीज हो रहा है, याद रखना, कंफ्यूज क्या हो रहा है, इतना चिंदी सी बात है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको आना चाहिए यार, ठीक है। तो ये आपको समझ गया होगा, माइनस वन अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। ऐसे रेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा? वन अपॉन सी, और यहाँ पे देखो ना वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन डी। टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए डी ए, वही ना यार, मतलब एक जगह में कोई चीज रहेगी तो वो आ जाएगा, सबको इक्वल कर दो, यही होगा आपका, समझ में आएगा, यही होगा आपका यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा फायदे में आप रह सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आपको समझ चुका है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली आप जान चुके हो, ठीक है। चलो अभी इसी तरीके से गाइस एक हम और रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे ही तो आपको करना होता है, ठीक है। देखो तो रेट ऑफ एन टू, यहाँ पे आप देखो ए नहीं लिखोगे, आप लोग क्या लिखोगे? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। मतलब ऐसे आपको लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पे? वन अपॉन टू, माइनस साइन तो लगाना ही पड़ेगा, D ऑफ N2O अपॉन DT, समझ गया? ऐसे ही आगे लिख दो, यहाँ पे आगे क्या लिखोगे? रेट ऑफ यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर्मेशन में रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन DT। सिमिलरली यहाँ पे आप एक ही बार चाहो तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, O2 अपॉन DT प्लस साइन के साथ, ठीक है, इस तरीके से। और रेट ऑफ अगर रिएक्शन पूछ रहे तो इन सबको इक्वेट कर दो, माइनस मतलब कि माइनस वन अपॉन टू डी एन टू ओ अपॉन यहाँ पे DT इक्वल टू वन अपॉन फोर डी एन ओ टू, इस चीज को सीख लो यार, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। DO2 अपॉन DT हो गया, ये रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया, पूरा टोटल रिएक्शन का रेट ये है, समझ गया इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आइडिया याद रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको इन चीजों को याद